देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1924 में हुआ था। बताने की जरूरत नहीं है कि वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक कुशलता से बीजेपी को देश में शीर्ष राजनीतिक स्थान पर पहुंचाया था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक, भाषाविद, कवि, पत्रकार और लेखक के रूप में हमेशा रहेगी। देखिए ग्रामीण न्यूज की खास रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय राजनीति का वो चेहरा जो अजेय है, अमर हैं, जिनके आलोचक भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। वो ना सिर्फ एक सर्वमान्य नेता कहलाए, बल्कि एक आदर्श इंसान भी कहलाए। वो एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, जिन्होंने अपने काम और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। राजनीति में उनका कद जितना भी बड़ा रहा, उतना ही सादा उनका जीवन रहा। अटल जी के आचरण और व्यक्तित्व ने न केवल समस्त देशवासियों का, बल्कि विपक्षी दलों का भी दिल जीता। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी भारतीय राजनीतिज्ञ को सच्चा आदमी या सच्चा व्यक्ति कहकर बुलाया गया हो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के इतिहास में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उदय से सत्ता तक पहुंचाने में भारत रत्न वाजपेयी का अहम योगदान रहा। राजनीति में उनकी कमी हमेशा खलती रही है और खलती रहेगी। आज हम आपको अटल जी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से बता रहे हैं जो भारत की राजनीति में हमेशा हमेशा अमर रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 जनवरी 1924 को ग्वालियर में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता शिक्षक और कवि थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साल 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी को उनके बड़े भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी के साथ गिरफ्तार किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से एक साथ कानून की पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, दोनों ने एक ही क्लास में दाखिला लिया था। दोनों को हॉस्टल में भी एक ही कमरा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा हिंदी में बातचीत करते नजर आते थे, लेकिन उनकी पकड़ अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी उतनी ही अच्छी थी जितनी की हिंदी पर। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआती दिनों में अपना करियर पत्रकारिता से शुरू किया। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांच जन्य और वीर अर्जुन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने साम्यवाद के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन बाद में बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर साल 1939 में आरएसएस से जुड़कर उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया। साल 1947 में अटल आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1942 से हुई, जब उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिरासत में लिया गया था। 1951 में वो भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े, जो आरएसएस और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में गठित एक हिंदू दक्षिणापंथी पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार संसद के लिए चुने गए। वो लगभग 4 दशक तक सांसद रहे और 9 बार लोकसभा के लिए तो 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। साल 1953 में अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आमरण अनशन पर बैठे थे। कश्मीर को भारतीय जनसंघ में मिलाए जाने की मांग को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भूख हड़ताल की थी। साल 1977 में जनता सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कांग्रेस से कोई नाता नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी एक सशक्त नेता तो थे, वो एक भावुक कवि और पत्रकार भी रहे।
उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी को पंडित नेहरू बहुत ही पसंद किया करते थे। अपने शुरुआती दिनों में अटल जी संसद में पीछे बैठा करते थे, पर जब अटल संसद में अपना भाषण देते थे तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू उसे ध्यान से सुना करते थे। नेहरू अटल जी को हमेशा भावी पीढ़ी का देश का नेता देखते थे। साल 1996 चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। पहली बार प्रधानमंत्री बने अटल जी विश्वास प्रस्ताव रखने के लिए खड़े हुए और भूल गए कि वो खुद प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जैसे ही उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा प्रधानमंत्री जी, वैसे ही पूरा सदन हंसी से गूंज उठा। 1998 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जमीन के अंदर 5 परमाणु परीक्षण करवाया था, जिसे पोखरण 2 का नाम दिया गया था। इसके बाद अटल जी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। कई विरोधों के बाद भी वो डटकर खड़े रहे और हिम्मत से एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे। भारत पाकिस्तान के संबंधों में नई ऊर्जा भरने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। बस सेवा शुरू करवाई, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपा तो कारगिल के युद्ध में भारत ने उसे करारा जवाब दिया। कारगिल का विजय युद्ध वाजपेयी जी के समय में ही लड़ा गया था। अटल जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वो पहली बार वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस दौरान उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों की ही रही। इसके बाद वो वर्ष 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस दौरान उनकी सरकार 13 महीने तक चली थी। फिर वर्ष 1999 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यही नहीं बल्कि 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। परमाणु बम का परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे अहम उपलब्धियों में से एक था। अमेरिका के दबाव के बावजूद वाजपेयी सरकार की हिम्मत और प्रतिबद्धता की वजह से ये काम सफल हो सका। लेकिन इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत को दुनिया में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इस दौर में दबाव के सामने हार न मानते हुए भी वाजपेयी ने देश की डोर को धैर्य के साथ संभाले रखा। साल 2000 के बाद अटल जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। साल 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब अटल जी के दाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ था। वहीं साल 2009 में अटल जी को स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उन्हें बोलने में समस्या होने लगी थी और तभी से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी को कविता और साहित्य उनकी विरासत में मिला। उनका कहना था कि कविता उन्हें घुट्टी में मिली थी। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत भाषा और साहित्य के अच्छे विद्वान थे। उनके घर की बैठक पुरानी किताबों से भरी हुई थी। वो जहाँ भी जाते थे अच्छी अच्छी किताबें लेकर आते थे। अटल जी ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे। दूर दूर से लोग उनको अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए भी आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक बेहतरीन पीएम ही नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन सांसद भी थे। वाजपेयी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी देश में एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक कवि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।